हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग 10th क्लास का 4.2 चैप्टर बनाने जा रहे हैं। 4.2 का वन नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें वन नंबर का फोर नंबर क्वेश्चन है, 2x² - x + 1y = 0। इसको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन है 2x² - x + 1y = 0। ये मेरा क्वेश्चन है। ये भिन्न का जोड़ के रूप में है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके भी नीचे 1 है। इसको एलसीएम करेंगे, 8 को 1-1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 × 1 = 8। अब 1 × 8 = 8, तो 2 × 8 = 16। 1 से 8 को भाग देंगे हो जाएगा 8, 8 से 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 16x² - फिर इसी तरह इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 8x + 1 = 0। (16x²-8x+1) = 0। ये भाग में बट्टा के रूप में 8 इधर है, इधर आके गुणा हो जाएगा 16x²-8x+1) = 0। से कोई भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही होता, 0 हो जाएगा। को तोड़ेंगे, 16x²-8x+1) = 0। इसको तोड़ेंगे, अब जो लास्ट में यहाँ रहेगा उसको x गुणांक के साथ गुना करना, क्या हो जाएगा 16 × 16। 16 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 8 × 16 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2। अब यहाँ 16x², अब हमको जोड़ घटाव करके मतलब 16 को एलसीएम किया तो कितना हुआ, 4 × 4 = 8 होता है। जोड़ घटाव करके 8 लाना है और गुना करके 16 लाना हो जाएगा -4x। यहाँ मेरा माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है, इसलिए -4x - 8x + 1 = 0। इसको तोड़ेंगे, 16x² है तो इसको कॉमन लेंगे, 4x, एक बाहर में रहेगा एक अंदर में, 4 × 4 = 16x² हो गया, माइनस यहाँ फिर 4x है और बाहर में 4x, तो 1 हो जाएगा, माइनस फिर 1 लेंगे यहाँ, फिर यहाँ 4x है, प्लस 1 है तो ये माइनस 1 है यहाँ, फिर माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो प्लस 1 होगा। और जो अंदर में है, अंदर में जो है उसको एक बार लिखेंगे, 4x - 1, उसके बाद फिर जो बाहर में है उसको एक बार लिखेंगे, 4x - 1 = 0। 4x - 1 = 0। 4x = -1 इधर है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, x = 1y, ये गुना में 4 उधर है तो इधर आके भाग में बट्टा के रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4 यहाँ भी हो जाएगा। अतः
तो इस द्विघात समीकरण का मूल 1/4 है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा।